राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्रत्येक बुजुर्गों को 60 साल पूरा होने पर पेंशन मिलने का प्रावधान है, परंतु ग्राम नवाडड़ी पंचायत पूर्वी ससबेड़ा प्रखंड गोमिया के महावीर पासवान को 6 सालों से 5-6 बार सारा कागजात सहित फर्म जमा करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 8 बुजुर्गों का भी यह समस्या था। 25 अप्रैल 2016 को इस मुद्दे के ऊपर मैं एक वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद 5 बार मैं मुखिया के पास गई, 2 बार उससे मुलाकात हुई, इस समस्या को मैं रखी। ब्लॉक जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2 बार मैं इस समस्या की जानकारी दी। पेंशन दिलाने में कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली पूर्व में वैकेंसी नहीं था, इसके कारण सेंक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी हम लोगों ने लगभग 4000 लोगों का, जो वृद्ध थे और वेटिंग में थे काफ़ी दिनों से, 2-3 सालों से, उनका पेंशन सेंक्शन कर दिया और सारे लोगों को पेंशन मिल रहा है। वीडियो वॉलंटियर बार बार आ रही थी कि इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, वृद्ध हैं, लाचार हैं और पेंशन नहीं मिल पा रहा है। 4 बार मैं फ़ोन से भी संपर्क की, गांव के श्री पिंटू पासवान इनको पेंशन दिलाने में काफ़ी मदद किए। मुझे पेंशन बहुत दिनों से कोशिश किए, नहीं मिल रहा था। मैडम आई थी, वो वीडियो बना के लेके गई, वीडियो के दी, आपका कौन कौन बड़े अफसर को बोली, तब जाके हम लोग को 2021 से जनवरी से हम लोग को पेंशन मिलना शुरू हुआ। अब हमको बहुत राहत है, मैं बिना दवा का रह नहीं सकता हूँ, डेली दवा खाना पड़ता है, उसके लिए दूसरे से पैसा मांग मांग करके हम दवा खाते थे, उसी पैसे से अब हम अपना दवा ले लेते हैं और अपना जो है इच्छा करता है कुछ खाने का, एगो पोता है उसको ला के खिलाते हैं। इस अच्छे कार्य के लिए मैं पिंटू को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं गोरेती बोकारो झारखंड से, इंडिया अनहद के लिए।